आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने शहर यानी कि गांधी मैदान में हो रहा रावण दहन। सो यहाँ पे भी रावण दहन किया जाता है और जिला प्रशासन के द्वारा इस बार भी बहुत ही अच्छा तैयारी किया गया है। सो इस वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा रावण दहन और साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो दहन का सेशन है पूरा का पूरा वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ। सो आप लोग यह वीडियो देखो और कमेंट कर जरूर बताना कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ओके, फिर अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड दोस्तों, यह वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड की जा रही है, सो उसके लिए सॉरी। मेरा एग्जाम था 6 तारीख को, सो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। ओके, फिर वीडियो एंजॉय करो। सो देख सकते हो भाई, यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ हो रखी है, कितना ज़्यादा क्राउड हो गया है। और यह मैदान जिसे गांधी मैदान कहा जाता है, बिल्कुल लोगों से खचाखच भर गया है। एंट्री गेट भी मानो बिल्कुल पूरा भरा हुआ था, कैसे कैसे अंदर आए हैं दोस्तों। और उसके बाद देखो, यहाँ पे रावण दहन भी शुरू हो गया। तो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण, ये तीनों अभी दहन किया जाएगा, मतलब जलाए जाएंगे। राम जी भी पधार चुके हैं। और ये देखिए, एक का पुतला जो है वो जला दिया गया, और कैसे ये धुआं धुआं हो गया है पूरा। और पटाखे का गूंज आप लोग ज़रूर सुन रहे होंगे, कितना सारा पटाखा जो है यहाँ पे जलाया जा रहा है। और यहाँ देखो आप, मेघनाथ का जो पुतला है वो जला दिया गया, और अब बारी है कुंभकर्ण की। ये देखो, यहाँ पे भी तीर चला दिया गया है, और कुंभकर्ण साहब भी जय हिंद हो गए। ये देखो भीड़, और कितना ज़्यादा आप आगे देख सकते हो, कैमराज, फ़ोन का कैमरा जो है ना वो ऑन है, बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। और लोगों का ये जो हुजूम है, ये जो झुंड है, देखो किस तरह रावण दहन देखने के लिए गांधी मैदान पहुँचा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा इंतज़ाम काफ़ी अच्छा किया गया है, इट मीन भीड़ को संभालने के लिए बहुत तरीके से प्रशासन जो है चप्पे चप्पे पे खड़ी है। और भीड़ को अंदर भी लाया गया है, मैदान के अंदर भी बहुत ही सिस्टम से, और एग्ज़िट करने के लिए भी सिस्टम बनाया गया है। ये देख सकते हो आप लोगों का भीड़। एक्चुअली दोस्तों, हम लोग यहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचे हैं, इसलिए हम भीड़ में काफ़ी पीछे हैं, और पीछे से ही आपको जो है ये रावण दहन दिखा रहे हैं। सो अब बारी आती है भाई रावण की, और अब वाहन चलेगा श्री राम के द्वारा, और बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। और ये जो बुद्धिमान और चालाक रावण थे, ये भी मारे जाएंगे। और मारे ही क्यों जाएंगे, बस क्या कहते हैं उसको, अहम, इनके अंदर तो अहम था। हालांकि कहा जाता है कि रावण बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और चालाक थे, लेकिन इसके अंदर का जो हम था, जो क्या बोलते हैं, अंदर का गुरूर था, बस वही इनको ले डूबा। तो ये देखो, अब श्री राम के द्वारा वाहन चलाया गया और रावण भी मारा गया। और ये देखो कैसे रावण का पुतला जो है वो धुआं धुआं, और बिल्कुल मिनी सेकंड में जो है ये पूरा जल जा रहा है, क्योंकि जो पुतला है वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉ से बनाया जाता है, जिसको हम लोग मेवाड़ी कहते हैं। और ये देखिए किस तरीके से रावण का जो पुतला है वो जलाया गया। तो इसी के साथ यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया, और अब हम लोग बाहर निकलेंगे। ये देखो भीड़ जो है कैसे भागना शुरू कर देते हैं रावण दहन के साथ में ही। रावण दहन हुआ नहीं कि लोग यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं, और भारी भीड़ लग जाती है रोड पे।